सो एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे इसका. सो दैट वी आर स्टडिंग द आरबीसी, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्लड. द स्टडी ऑफ द ब्लड इट इज कॉल्ड एज हेमाटोलॉजी. फाइन. द प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज हेमोपोएसिस. फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इस इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोएसिस. राइट. वट इज द पीएच ऑफ द ब्लड? इट इज 7.4, दैट इज स्लाइटली अल्कलाइन. वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इज 5 to 6 लीटर इन मेल एंड 4 to 5 लीटर इन फीमेल. ब्लड इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर एंड द लिम्फॉइड ऑर्गन्स. वट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लड? लिक्विड पार्ट और प्लाज्मा ऑफ द ब्लड is 55%, solid part is 45%, which is RBC, WBC and the platelets. Now, what is PCV? PCV is nothing but packed cell volume. So, what is this PCV? What do you mean by PCV? Let us understand these things, right? PCV. This is the volume or total number of blood corpuscles in blood. So, it is called as total number of blood corpuscles in blood. कितने आरबीसी, कितने डब्ल्यूबीसी एंड कितने प्लेटलेट्स है? दीज आर द ब्लड कॉर्पस्कल्स एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज वॉल्यूम. एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज वॉल्यूम. ठीक है. नाउ वी विल कम टू अनदर टर्म्स. दिस इज कॉल्ड एज हेमाटोक्रीट वॉल्यूम. इसको क्या कहते हैं? हेमाटोक्रीट वॉल्यूम. व्हाट इज दिस हेमाटोक्रीट वॉल्यूम? इट इज द ओनली नंबर ऑफ आरबीसी इन द ब्लड. ओनली number of RBC in the blood. Only number of RBC in the blood. It is also expressed in percentage volume. It is also expressed in percentage volume. Okay. The percentage volume में कैसे express करते हैं? कितने percent? Suppose it is saying about the 32%. Say for example, because it is 45, मानो 45 में ये express करते हैं suppose 2.5%. Not 32, it is say for example 2.5%. इसका मतलब ये जो solid part of the blood है total 45%, इसकी 2.5% is the RBC. तो एक range तो होगा, एक normal range. So वो normal range को इस तरह से declare करते. I am not meaning that this is the correct one. I am just giving you example, right? I am just giving you example. So अगर जगह पे लिखा हुआ है तो ये 2.5% RBC, that means total 45% में जो solid part है उनमें से 2.5% is the this one. क्या है? RBC, right? Now, coming to our part. So,
So one is we learned about that packed cell volume, that is the total number of blood corpuscles, or then we come to the hematocrit volume, that is called as a only percentage of the RBC in the blood. अब एक डेटा को आप अब अगर जैसे क्वेश्चन आप कर ही लिए हो तो इतना जान लो 99% ऑफ पीसीवी इज एचवी राइट 99% ऑफ द दिस वन टोटल सेल वॉल्यूम इज द एचवी एंड द 1% इज द मैंने क्लियर लिख देता हूं रेस्ट 1% इज WBC एंड प्लेटलेट्स ठीक है नाउ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास का टॉपिक है ठीक है देखो कल हम लोग आधा डॉक्टर बन ही जाएंगे राइट हम लोग कल ECG पढ़ेंगे कल जयंतो सर का क्लास एक्चुअली है लेकिन मैं क्लास लूँगा और कल हम लोग ECG पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आधा डॉक्टर तो हम बना ही देंगे आपको कोई दिक्कत नहीं है राइट अच्छा नाउ देखो प्लाज्मा कलर प्लाज्मा इज द मेन ब्लड कंपोनेंट ऑफ द आई मीन प्लाज्मा इज द मेन ब्लड कंपोनेंट राइट ये तो हम जानते हैं नाउ कलर ऑफ प्लाज्मा कलर ऑफ प्लाज्मा इट इज पेल येलो दैट इज ड्यू टू ये भी लिख देते व्हाई इट इज पेल येलो ड्यू टू द मेन कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज बिलीरुबिन विच इज बाय नेचर इट इज यूरोबिलिनोजन क्या करेंगे इसको रेड से लिख देंगे इट इज यूरोबिलिनोजन बाय नेचर इट इज यूरोबिलिनोजन कॉम्पोजिशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन क्या है प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन है प्लाज्मा में वाटर है 90% वाटर 90% इन सम केसेस अप टू 92% भी हो सकते हैं अप टू 92% ठीक है सॉलिड 8-10% right now organic and inorganic materials present in blood organic and inorganic materials present in blood अब इसमें हम देखेंगे organic कितने part है और inorganic कितना part है ठीक है inorganic का part है 0.9% 0.9% is the inorganic and what are the inorganics iska list dekho
इसमें है आपका इनऑर्गेनिक में आयंस, क्या क्या आयंस हो सकते हैं दुनिया भर का, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, कार्बोनिक एसिड, राइट, SO4, PO4, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके साथ क्या इसमें पोजिशन हो सकते हैं, सॉल्ट्स, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मिनरल सॉल्ट्स आर प्रेजेंट ओवर देयर, राइट, NaCl, पोटेशियम क्लोराइड। उस दिन आपको बताया थे ना कि सोडियम, नमक, ब्लड में नमक की कमी से क्या क्या डिजीजेस हो सकते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे हार्मोनल इफेक्ट्स। ओ अच्छा, आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा, इसको पढ़ा रहा था, क्या नाम है, वीकेंड वालों को, ठीक है ठीक, NaHCO3, राइट, KHCO3, राइट, ये आपकी ब्लड में प्रेजेंट है, आई मीन दिस टाइप ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट इन द ब्लड। अच्छा, गैसेस क्या प्रेजेंट है, गैसेस क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, ऑब्वियसली ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली है, और क्या हो सकते हैं, द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैसेस इज ऑल्सो देयर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द ऑर्गेनिक पार्ट, ऑर्गेनिक पार्ट आपका 8-10% टोटल कंपोजिशन में, आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पार्ट है 9.9%, सो रेस्ट ऑफ द यू कैन सी 7-9%, 7-9%, राइट, दीज आर द ऑर्गेनिक पार्ट्स इज ऑल्सो देयर, ऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या है, ऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट में आपका है एल्ब्यूमिन, सबसे ज्यादा है ब्लड में एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन, इट्स अ प्रोटीन, इट इज अराउंड 4%, एल्ब्यूमिन इज प्रेजेंट, ठीक है। सो इट इज मैक्सिमम प्रेजेंट, मैं एक एस पे लिख देता हूं, बाई लीवर, कहां से प्रोड्यूस होते हैं, लीवर से प्रोड्यूस होते हैं, राइट। सेकेंड इज, सेकेंड प्रोटीन इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज ग्लोब्यूलिन, सेकेंड प्रोटीन इज प्रेजेंट अराउंड कॉल्ड इज एज ग्लोब्यूलिन, दिस इज 2-2.5%, ठीक है। अब देखो, ये एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़, मैंने क्वेश्चन है इसका नीट लेवल का, रेशियो, रेशियो ऑफ एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन इज 2:1, ये आप रख लो आपके पास, बहुत काम आएंगे इसका, राइट। Now, globulin, where it is produced? By liver and lymphoid tissue. Liver and lymphoid tissue, correct? Okay, and what is the main function of these? What is the main function of this, right? Now, albumin is basically to maintain the blood constituents, right? Blood constituents को maintain करना, ठीक है, तो इसका काम ये करते हैं, और globulin is responsible to
अच्छा डिस्ट्रॉय फॉरेन बॉडीज, समझ में आ रहा है? हेलो, तुम लोग कनेक्टेड हो कि नहीं? मेरी आवाज सुनाई दे रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, ग्लोब्यूलिन का काम है टू डिस्ट्रॉय दी फॉरेन बॉडीज, करेक्ट? एंड लाइक एनी बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो भी ब्लड में आ जाते हैं। नाउ इस विषय में हम लोग आपके लिए थोड़ा सा एडवांस नॉलेज छोड़ेंगे, वो है देयर आर जबकि ये पढ़ना ही है, किसी ना किसी कंडीशन में किसी ना किसी मोड पे जाके तो आपको ये पढ़ना है, तो क्यों ना अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। थ्री टाइप्स, ग्लोब्यूलिन इज ऑफ थ्री टाइप्स, आपने कभी नाम तो सुना होगा। ये है अल्फा ग्लोब्यूलिन, इसको कहते हैं अल्फा ग्लोब्यूलिन। अल्फा ग्लोब्यूलिन प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, ठीक है। दिस इज अ कॉपर कैरिंग प्रोटीन, कॉपर कंटेनिंग और कॉपर कैरिंग प्रोटीन, अल्फा ग्लोब्यूलिन, करेक्ट। देन देयर इज अ ग्लोब्यूलिन कॉल्ड बीटा ग्लोब्यूलिन, ये आप मिलेगा आपको क्लास 12 में, व्हेन वी विल रीड द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पर ये हमको मिलेगा। बीटा ग्लोब्यूलिन का काम है, बीटा ग्लोब्यूलिन इज द टू मेंटेन शेप ऑफ आरबीसी, शेप ऑफ आरबीसी, आयरन कैरिंग प्रोटीन फॉर्मेशन ऑफ हेम प्रोटीन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द हेम प्रोटीन एंड देन कमिंग्स डेल्टा ग्लोब्यूलिन, दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिम्फोइड ऑर्गन्स, बाय लिम्फोइड टिश्यू एंड फंक्शन इज डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। वी विल राइट overall defense mechanism of body, clear है? overall defense mechanism of the body, ठीक है। अब देखेंगे ये डेल्टा ग्लोब्यूलिन का भी, देयर आर टू टाइप्स, दिस डेल्टा ग्लोब्यूलिन आल्सो ऑफ टू टाइप्स। ये कौन कौन सा टाइप है हम देखेंगे इसको। वन इट इज कॉल्ड एज प्रोथ्रॉम्बिन, प्रोथ्रॉम्बिन इज अ प्रोटीन, इज इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग, थ्रॉम्बिन टू थ्रॉम्बिनोजेन कन्वर्ट करने में, ठीक है, थ्रॉम्बिन सो रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ओके। Another type, it is called as fibrinogen or fibrinogen. This is also required for the blood clotting.
राइट. नाउ नाउ वी विल कम टू दी सम न्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्लड. व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द ब्लड्स? Digested nutrients present in blood. What are the nutrients that are present in the blood? First of all, it is called amino acids is present. ऐसे हम लोग अमाइनो एसिड को लिखते हैं, इंडिकेट करते हैं अमाइनो एसिड. ग्लूकोज, ग्लूकोज इज प्रेजेंट. व्हाट इज द रिक्वायर्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड? साथे साथ हम लोग पढ़ते पढ़ते चलेंगे. व्हाट आर द ब्लड ग्लूकोज? ब्लड ग्लूकोज level is 80 to 100 milligram in a percentage. 80 to 100 milligram blood glucose rehna chahiye. Right. Next, then glucose. Uske baad kya reh sakte hai? Fatty acid. It is the constituent. Fatty acids is there, then glycerol. Glycerol is present, cholesterol. Cholesterol नहीं होगा तो membrane formation ही नहीं होगा. कोई type का cell हो, चाहे वो blood cell हो चाहे body का cell हो. So how much it is the level? Level is 150 to 260 mg percentage. It is required. And then vitamin that is present in the as a nutrients that are present in the blood. Okay. Now let us coming to the waste product. Yes, blood is also contain some waste product. धीरे धीरे हम लोग important part पे जा रहे हैं. जबकि सारे इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है. द मोर इंपॉर्टेंट वन वेस्ट प्रोडक्ट्स. व्हाट आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेटिंग इन आवर ब्लड? ठीक है, ओके. वेस्ट प्रोडक्ट्स आर यूरिया, uric acid, okay, then creatine, or creatinine. There is another word is called as creatinine. Both are different. It is creatine or it is creatinine. Okay. एंड नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल कितना होना चाहिए? 17 to 30 mg रहना चाहिए, मतलब रहता है ब्लड में. सो वी विल से द नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल इज 17 to 30 रेंज है. 30 mg ये रेंज है, करेक्ट. Now, what if, अगर, if, blood, urea, level is greater than 40, this is called, the condition is called as urea. Uremia.
एक्चुअली द स्पेलिंग इज लाइक यू रे मी आ, इट इज कॉल्ड एज यूरेमिया, राइट। अच्छा, यूरेमिया में होता क्या है, एक तो वेस्ट प्रोडक्ट बर गया, दूसरा क्या होगा, आरबीसी का शेप जो है इट्स अ इरेगुलर बन जाएंगे, राइट। इन दिस केस रिमेंबर, इन दिस केस शेप ऑफ आरबीसी बीकेम इरेगुलर, शेप ऑफ आरबीसी बीकेम इरेगुलर, राइट। और देन ये डिस्ट्रॉयज, राइट, डिस्ट्रॉयज इन द स्प्लीन, कॉजिंग, फाइनल कॉजिंग ही लिख देता हूं, कॉजिंग एनेमिया, फाइनली इट विल कॉज द एनेमिया। सो यूरेमिया कैन कॉज द एनेमिया, दैट इज द रिलेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ जाते, इट कैन कॉज द एनेमिया, ओके। एंड देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इज प्रेजेंट, इज कॉल्ड एज एंटीकोगुलेंट हेपरिन, अदरवाइज ब्लड इनसाइड द वेसल विल क्लॉट, एंटीकोगुलेंट हेपरिन इज प्रोड्यूस्ड, इज प्रेजेंट इन ब्लड। अगर एंटीकोग ये हेपरिन नहीं होगा तो इनसाइड में ब्लड वेसल्स के इनसाइड में ब्लड क्लॉटेड हो जाए, ओके। नाउ कमिंग टू द दैट पार्ट ऑफ दी जो हमारा आज का टॉपिक था, उसी टॉपिक पे आज हम लोग अभी आ रहे हैं। अभी तक हम लोग टॉपिक पे आने, अभी तक हम लोग टोटल ब्लड के बारे में बात कर रहे थे। नाउ वी आर कमिंग टू दी आरबीसीज, आरबीसी एंड इज द इट्स द मेन स्टडी पार्ट्स, ठीक है। Mammalian RBC is biconcave in shape. It's called as biconcave in shape. Mammalian RBC is biconcave in shape. It's a plus, it's a along with it is circulated or circular in nature, and it is non-nucleated, right? But जब ये RBC produce होते, that time it was the nucleated. At the time of production, it remains nucleated. क्योंकि देखो, न्यूक्लियट अगर होगा तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग ये रिड्यूस हो जाएगा, राइट, ठीक है, ये है। अब ये कोई कोई अगर आपको ये क्वेश्चन करेंगे कि ये बोलो तो ये बाइकॉनकेव क्यों है, बहुत सारे होते हैं टीचर होते हैं ऐसे क्वेश्चन करते हैं, बताना इंक्रीज इन दी सरफेस एरिया, बाइकॉनकेव इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ दी आरबीसी, ये है उसका रीजन। नाउ
there are some exception of the these theory, I mean part is also there. RBC ka kuch exception hai. So we will write the exception conditions. Exception. What is the exception? Exception hai camel and llama. Camel and llama. This is type of camel also. They are mammalian, but their blood is nucleated. Their blood is nucleated. Okay? Yes, sir. नाउ अब नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या क्या इसमें प्रेजेंट है क्या क्या नहीं है इन आरबीसी. ठीक है, पहले हम लिख देते नो. व्हाट इज नो? क्या 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 नो? क्या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है और क्या नहीं है? न्यूक्लियस, गॉल्जी बॉडी. और क्या नहीं है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. ये नहीं है, समझ में आ? हाँ सर. अब आते हैं कि ये जो दोनों सेल का जो दोनों ऑर्गेनेल्स है, ये ऑर्गेनेल्स दे फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द सेल. इसको कहते हैं स्केलेट. अच्छा लिखते हैं, जो भी हम सीखेंगे ना उसको लिखेंगे. सो सर न्यूक्लियस में तो नहीं है? न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन मेनली जो सेल का जो स्केलेटन फॉर्मेशन करवाते हैं वो है गॉल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. ऑर्गेनेल्स, देखो ना मैं लिख रहा हूं, आप देखो ना, ऑर्गेनेल दैट सॉरी makes the cytoskeleton of the cell. Cytoskeleton of cell. इसको हम लोग कहेंगे cell biogenesis. ये process को कहते हैं cell biogenesis, right? Formation of the structure of the cell. तो ये दोनों नहीं रहेंगे तो आरबीसी का स्ट्रक्चर कौन बनाएगा? सो ये चीजों को समझना है. देयरफॉर स्ट्रक्चर ऑफ द आरबीसी ऑफ आरबीसी इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय the organic materials. Organic material banata hai. Kya kya organic material? Number one, fat. Number two, cholesterol. Achha, protein ka baat bhi likh deta hu pehle. Protein. And number three, cholesterol. रोल. ये तीन मिलके साइटोस्केलेटन ऑफ द आरबीसी बनाते हैं. कंटिन्यूअसली दे यूज टू मेंटेन. सो दीज थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. अगर आप बोलोगे हम बिल्कुल फैट नहीं खाएंगे, बिल्कुल घी मसाला तेल नहीं खाएंगे, तो नहीं चलेगा. व्हाई? बिकॉज दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आरबीसी, राइट? थोड़ा बहुत खाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत खाना है, लेकिन दीज आर द इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ब्लड आरबीसी. नाउ देयर इज सम टर्म इज रिक्वायर्ड. टर्म इज रिक्वायर्ड टू नो. आई गिव इट स्टार.
प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज डोनांस मेम्ब्रेन कहते हैं इसको. क्या मेम्ब्रेन कहते हैं? क्या मेम्ब्रेन कहते हैं? डोनांस मेम्ब्रेन, राइट. डोनान वाज अ साइंटिस्ट हु गेव द स्ट्रक्चर ऑफ द आरबीसी एंड आई मीन गिवन द डिटेल ऑफ द आरबीसी स्ट्रक्चर्स. दिस मेम्ब्रेन is highly permeable to chlorine, right? It is highly permeable to chlorine and carbonic acid HCO3, right? Ions, but impermeable यही इसका मेन पॉइंट है. इम्पर्मिएबल टू इट इज सोडियम एंड पोटेशियम आयोन्स. ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में याद रखना है, पोटेशियम आयोन्स, राइट. अच्छा ये इसको बता दे, प्रोड्यूस्ड बाय दिस थिंग्स ना, ये जो फैट नेटवर्क, दिस इज क्योंकि अभी इसका बात आएंगे. ऑल टुगेदर कॉल्ड स्ट्रोमाटिन, ऑल टुगेदर इट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमाटिन. Now, the next point is that due to the presence of stromatin, RBC is स्पॉन्जी इन नेचर. बहुत थोड़ा स्पॉन्जी है, बहुत से सॉफ्ट है, स्पॉन्जी एंड फ्लेक्सिबल. देखो न्यूक्लियस अगर नहीं होता, जस्ट अ सेकेंड. ओके. अगर न्यूक्लियस होता तो आरबीसी इतना फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता, ठीक है. हेलो. हाँ सर. तो देयरफॉर सो इसी जगह पे आके साइज ऑफ आरबीसी के बाद उठेंगे 7.5 माइक्रोमीटर पासेस द कैपिलरी. एक कैपिलरी को पास करते हैं जिसका डायमीटर है, इट इज 4 to 5 माइक्रोमीटर. तो इतने छोटे जगह से ये 7.5 माइक्रोमीटर का आरबीसी पास करेंगे, दैट इज ड्यू टू द सॉफ्ट स्पॉन्जी एंड फ्लेक्सिबल नेचर, राइट. एंड दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रोमाटिन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रोमाटिन. याद रखना,
Now there is another important point. See, that point is, अब इसमें नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है. Therefore, Krebs cycle, आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन में Krebs cycle, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताओ ना. हाँ सर. So Krebs cycle is absent in the blood, right? So therefore, glycolysis कहाँ होगा? Glycolysis present. ये another NEET की question है. Blood cytoplasm. हाँ तो RBC का cytoplasm तो present है. उसमें ग्लाइकोलाइसिस होगा. मैं हम लोग तो आरबीसी की बात कर रहे हैं ना. माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है बोल के आरबीसी में क्रेब्स साइकिल नहीं होगा, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होगा. ठीक है? हाँ सर. अच्छा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम मैक्सिमम इज प्रेजेंट. कार्बोनिक एंड एंजाइम प्रेजेंट. Carbonic anhydrase enzyme is present in the blood. Therefore, there will be the maximum adherence or formation of the carbonic acid. Therefore, maximum formation of carbonic acid. कार्बोनिक एसिड ज्यादा है इसलिए देयरफॉर अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मैक्सिमम. इट इज 5000 टाइम्स. Now carbonic anhydrase is having 5000 याद रखना. It is has zinc. So zinc is another substituent that is required by the body. Why it is required? Because blood requires the zinc. Where the blood requires? In the carbonic anhydrase enzyme that is having the maximum of the zinc. Next, another important constituents of the RBC. Surface of RBC contains antigen. Surface of the RBC contains antigen. Okay? And there is antigen. This is a only blood antigen, right? Blood antigen. And what another antigen is present or absent? Rh antigen. Rh antigen का मतलब है रेसस. दिस इज कॉल्ड एज रेसस एंटीजन. दिस इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द रेसस मंकी. उस मंकी का बायोलॉजिकल नाम है मकाका मुलाता. लिख देता हूं, डिराइव्ड फर्स्ट टाइम
डिराइव नहीं, हम लोग इसको काटेंगे नहीं, इसको कहेंगे डिस्कवर्ड। फर्स्ट टाइम फ्रॉम रेसस मंकी, इसका बायोलॉजिकल नाम है मक्का का मुलाता। ठीक है, सिंगल आरबीसी इज लुक्ड एज पेल येलो, बट इन ग्रुप लुक्ड रेड इन कलर। ओके, we know that hemoglobin is present, unnecessary it is to write. ठीक है, हाँ सर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन याद रख देना, कभी कभार ये क्वेश्चन आते हैं, कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद रखना चाहिए। इट इज 67200 डाल्टन। मैं ये नहीं पूछूंगा डाल्टन क्या है, क्योंकि वो आप ऑलरेडी पढ़ लिए हो, ग्राम पर मोल। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ द आरबीसी, आरबीसी की कॉम्पोजिशन क्या है? 60% वाटर, 40% सॉलिड। एंड सॉलिड में 36% हीमोग्लोबिन एंड रेस्ट अदर्स आर प्रेजेंट, राइट। अब आते हैं कंपैरिजन स्टडी ऑफ द साइज ऑफ आरबीसी। दो एक का नाम हम लोग याद करके रखेंगे, ह्यूमन का साइज है 7.5 माइक्रोमीटर, बातों बातों में रैबिट का आएगा, रैबिट का 6.9 माइक्रोमीटर, इसी तरह से बहुत है। लार्जेस्ट आरबीसी, लार्जेस्ट आरबीसी है एम्फ्यूमा, दिस इज कॉल्ड एज एम्फ्यूमा, दिस इज द एम्फीबियन, इसकी साइज कितनी होगी? 75 to 80 माइक्रोमीटर, माई गॉड इट्स अ ह्यूज। देन कम्स द स्मॉलेस्ट आरबीसी, स्मॉलेस्ट आरबीसी मक्स डियर, मक्स डियर 2.5 माइक्रोमीटर। सो दे आर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वॉज ऑल्सो वेरी लेस, दैट इज द अनदर रीजन दैट इन द डिफरेंट स्लाइटली चेंज ऑफ द एनवायरमेंट कॉजेज द मक्स डियर टू बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम द ग्लोबल एरिया। समझ में आया? आज मक्स डियर क्यों
इतना आई मीन एक टूवर्ड्स द एक्सटिंक्ट, हम नहीं कहेंगे कि एक्सटिंक्ट बट टूवर्ड्स द एक्सटिंक्ट हो गए, बिकॉज ऑफ देयर द आरबीसी साइज इज वेरी वेरी लेस, इट इज द स्मॉलेस्ट इन द एनिमल्स एंड therefore there is a smallest change in the air environment or climate causes the mux deer to be extinct. वो मर जाते हैं, वो जिंदा नहीं रह पाते. Then there is a term which is called as anisocytosis. ये term आपके लिए important है. This term is called as anisocytosis. एनीटोसाइटोसिस का मतलब है चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी. आज यही तक खत्म करेंगे, आपका आगे भी क्लास है. चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी, सो टू बी कंटिन्यूड. क्या हेलो साथ में हो या भाग गए? आप बताओ पल्लवी, अच्छा लगा पल्लवी. हेलो पल्लवी, सो गए? जागो पल्लवी, जागो. यस सर. हाँ जाग गए, अच्छा लगा. क्लास ठीक ठाक है, समझ में आया? यस सर. तरुणा, हेलो तरुणा. यस सर. क्लास समझ में आया? यस सर. ठीक ठाक लगा, अच्छा लगा, समझ में आया? बताओ किसी जगह कंफ्यूजन नहीं? नो सर. ओके, तो मैं रिकॉर्डिंग कल का भी भेज दूंगा, आज का भी भेज दूंगा और पीडीएफ भी भेज देता हूँ. आप लोग क्लास करो फिजिक्स का. अभी क्या है, फिजिक्स है ना? हाँ सर. ओके ठीक है, चलो बाय बाय. हाँ कल जेके सर का क्लास नहीं, मेरा क्लास होगा. ठीक है, हेलो.